सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलती से गलती हो यह संभव है, लेकिन बार बार गलती हो तो यह नादानी है। विफलताएं तभी आती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भुला बैठते हैं। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। आज का पंचांग 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:43 से 3:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा सुबह 8:06 तक वृषभ राशि पर रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, एक नुकसान या दुख जो आज शायद आपके परिवार को प्रभावित कर रहा है आपको बेचैन करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूरत है, जैसे आपके बहन भाई, माता पिता या पड़ोसी, और उन्हें शांति प्रदान करें। कोई अप्रत्याशित आय या शायद विरासत आपका इंतजार कर रही है। इस आय का अच्छे से प्रयोग करें, जैसे किसी यात्रा या ऐसी गतिविधि में जो आपके उद्देश्य का स्पष्ट अर्थ दी। उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूरी रिसर्च करें। अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप पिछले कुछ समय से सपनों की दुनिया में रह रहे थे, लेकिन अब समय वास्तविकता का सामना करने का। आपके सामने आज दो समस्याएं हैं, बदलाव परिवर्तन या विदेश में स्थानांतरण और आर्थिक मुद्दे, पूंजी ऋण, वित्त धन संबंधित मामलों में भी आपको निपटना पड़ सकता है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को संदेह और चिंताओं से परे रखें। आपको शारीरिक या वित्तीय रूप से अपने आप को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। आप जिनसे प्यार करते हैं और जो आपके करीब हैं, उनसे सबको शेयर करना चाहिए। उन चीजों पर कभी भी नजर न रखें जो आपकी नहीं है। कन्या राशि वालों की ग्रह दशा अनुकूल होने से दिन खुशनुमा रहेगा और भाग्य भी हर मामले में साथ देगा। परिवार में माहौल दिन में कुछ गर्म हो सकता है, लेकिन शाम के वक्त सुधार होगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सेहत का ध्यान रखें और ठंड से बचकर रहें। इस राशि वालों का दिन बीते दिनों की तुलना में राहत भरा रहेगा, लेकिन मन में बेचैनी अधिक रहेगी। मध्यान्ह तक कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। किसी पुराने संबंध अथवा सौदे से धन लाभ होगा, जिससे थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। आज आपको कहीं से नौकरी के संबंध में अच्छा ऑफर आ सकता है। व्यापार की बात करें तो जो लोग लोहे से अच्छा काम करते हैं, उनके लिए यह दिन फायदा देने वाला रहेगा। प्लास्टिक आधारित उत्पादों से संबंधित क्षेत्र में भी अच्छा कारोबार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशे वर्ग में बॉस और अधिकारियों के मध्य अच्छा तालमेल दिखेगा। अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उभारने वाली रहेगी। जिन लोगों की अब तक तनख्वाह नहीं आई है, आज वो पैसे के लिए बहुत परेशान रह सकते हैं और अपने किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसीलिए तोल मोल कर ही बोली। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुभ सकती है, वो आपसे रूठें, इससे पहले अपनी गलती का एहसास कर लें और उन्हें मना लें। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर ले लें, नहीं तो बाद में वे आपत्ति कर सकते हैं। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो रहेगी, लेकिन तनाव भी देगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं। सावधानियां, धन का निवेश करने की सोच रही हैं तो बहुत ही सोच समझकर
सोच विचार कर पैसा लगाएं, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपकी यात्रा की योजना रद्द और उसमें देरी होगी। परिवार के सदस्य या सलाहकार से जुड़ी किसी स्थिति को लेकर आप तनाव व दुखी महसूस कर सकते हैं। अपने दिमाग के किसी रहस्य के लिए जीवन के खास व्यक्ति पर भरोसा करें। जब दूसरे लोग आपका समर्थन करते हैं तो किसी भी नुकसान या अपमान से प्रभावित ना हो। रिश्ते में सुनने की भावना ईमानदारी की कुंजी है, इसलिए अपने रोमांटिक संबंधों में इसे प्राथमिकता दें। आप उद्देश्य की भावना की तलाश में हैं और आप उसे वहां पा सकते हैं जहां आपको इसकी कम उम्मीद है। आपने अपने वास्तविकता से ब्रेक लिया है और अभी आप किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप इसने प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसे प्यार और ध्यान से करें, ना कि महंगे तोहफे देकर या दिखावा करके। यह बेहद प्रभावी होगा। आपके पास जो भी है उसे शेयर करें, जो आपका नहीं है उसे ना लें, और जो भी आपने उधार लिया है उसे वापस जरूर करें। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप जीवन में क्या कर रहे हैं उसको लेकर उत्सुक हैं। यह समय अस्थिर या मनमौजी होने का नहीं है। बात करते हैं करियर की। किसी करीबी व्यक्ति से संबंधित हानि आज आपके निजी जीवन में उथल-पुथल का कारण बन सकती है। यह बाधा आपके पड़ोसी या भाई बहन को भी प्रभावित करेगी। शायद इसकी वजह से उनकी यात्रा की योजना में देरी होगी या यात्रा रद्द हो सकती है। अतीत पर ध्यान ना दें, इसकी जगह अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य करें। अपनी चिंताओं के बारे में दूसरों को बताएं और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दें। एक अधिकारी या वित्तीय विशेषज्ञ के साथ सलाह करना आपकी योजना के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अपनी जिंदगी में आए किसी भी तरह के तूफान या समस्या से निपटने के लिए आप तैयार हैं। अब आपकी चिंता के दो कारण हैं। पहला किसी दूसरे जगह जाने की और दूसरी है धन की समस्या। यह समय आपके लिए व्यापार या विचार करने का भी है, जो आपके निजी रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। अपनी कड़ी मेहनत के आपको पूरे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके तनाव का प्रभाव आपके काम पर प्रदर्शन को भी प्रभावित करेगा। आज आपके पास जो है उसे शेयर करना बुद्धिमत्ता है, जबकि उसे नजरअंदाज करें जो आपसे संबंधित नहीं है। बात करते हैं सेहत की। आज ठंड के अधिकता के कारण पैरों में दर्द और शारीरिक थकान रहने की शिकायत रहेगी। कुछ समय के लिए शरीर को आराम भी दें और रात को दर्द वाले हिस्से की शिकायत करें। आज का उपाय, तुलसी के पौधे पर आज जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।